वरि व्ही कफ़ा सलाम इबादी मुहतरम मैं इक्राम मैल्लाम्बई से आपसे मुखातिब हूँ आज मेरी नशस्त का मौजू है लॉकडाउन में ईद की नमाज कई भाइयों ने पूछा कि मुली साहब अब ईद की नमाज कैसे पढ़ेंगे पूरी दुनिया कोरोना वायरस से मुतासर है तीन लाख से ज्यादा लोग दुनिया से जा चुके हैं न जाने कब ये दुनिया से जाने वाला पता ही नहीं अल्लाह ही को बेहतर मालूम है तो यह रमज़ान 2020 का रमज़ान चौदह सौ इकतालीस हजरी का रमज़ान अनोखा रमजान है याद रखा जाएगा याद रखिएगा पांचों वक्त की नमाज घर पर हो रही है अलहमद्ला जुमा के दिन जहर की नमाज हम और आप घर के अंदर अदा कर रहे हैं अल्हदल्ला जुमा भी मस्जिद के अंदर नहीं हो रही है घर को ही मस्जिद बना दिया गया है हमें और आपको सबर करना है इनशा याद रखिएगा मस्जिदें खुलेगी दोबारा आबाद होगी अब मसला आ गया है कि ईद की नमाज कैसे पढ़ें तारीख में ऐसा कम ही हुआ होगा पता ही नहीं कब हुआ कि लोगों ने घर के अंदर ईद की नमाज पढ़ी है पता ही नहीं ईद की नमाज़ इस महामारी में हम और आप कैसे पढ़ें याद रखिएगा फिक्र तो होनी ही चाहिए जिस तरीके से तमाम चीज़ों की फिक्र है लोगों को तो सवाल पैदा होता है तो अब क्या करें लॉकडाउन में ईद की नमाज कैसे पढ़ें इसके अंदर दो अकवाल बयान किए जाते हैं कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईद की नमाज घर के अंदर नहीं होगी जमहूर उलमा का कहना है कि हो जाएगी क्योंकि तो यह परेशानी की वजह से है और दलील के तौर पर वो लोग लो ये पेश करते हैं सही बुखारी किताबुलद्दैन बाब इज़ाफात युसली रतन इमाम बुखारी रमोत ने किताबुल्दैन में एक बाब बांधा है

इब्न अभी उतबा को हुक्म दिया कि वह अपने घर वालों को और बच्चों को जमा करके शहर वालों की तरह ईद की नमाज पढ़ाएं और तकबीर कहें इससे यह पता चला मजबूरी में ईद की नमाज घर के अंदर पढ़नी है और तकबीरें कहें मतलब पहली रकत में सात जायद तकबीरें होंगी दूसरी रकत में पांच जायद तकबीरें होंगी और ईद की नमाज के बाद क्या रहेगा फजर की नमाज जो पढ़ते हैं हम और आप तो उसके एक घंटे के बाद या डेढ़ घंटे के बाद चाश का वक्त जब शुरू हो जाता है तो नमाज का वक्त शुरू हो गया तो घर के अंदर तैयारी कर लीजिए मर्द भी तैयारी कर ले खुत भी तैयारी कर ले कोई आदमी जिसको क़ुरान ज़्यादा याद है और नमाज का तरीका मालूम है तो आगे बढ़ जाए मर्द आगे रहे खातिन पीछे रहे इसके अंदर ना अज़ान है ना एक है अगर घर के अंदर सिर्फ मियाँ बीवी ही हैं तो कैसे पढ़ेंगे शोहर आगे रहेगा बीवी पीछे रहेगी और पहली रकत में सात जायद साज है मतलब पहले कहेंगे अल्लाह अकबर फिर उसके बाद सना पढ़ लेंगे सुबह नकल्लाम तो सात जायद तकवीरें अल्लाह अकबर अल्लाह उकब अकबर बराला अकबर बराला अकबर बराकबरा अकबर अकबर फिर उसके बाद अल्हदल्लाबिल आलमिन पढ़ेंगे जो सूरा याद है वो पढ़ लेंगे एक रकत मुकम्मल हो गए फिर दूसरी रकत के लिए खड़े होंगे पाँच जायद तकबीर तकवीर अला अकबर उकबरअल्लाकबर अकबर अल्लाह अकबर फिर पढ़ेंगे अल्हमिल्ल रबालमिन उसके बाद क्या होगा दो रकत हो गई सलाम फेर दिए तो हमें कर मिला है कि मजबूरी में ऐसा हो रहा है तो हम और आप इस पर अमल करें अतः ने यह कहा सही बुखारी किताबल बाबुल इजाफा तो सल इज़ाफातः सल्हरकत जब ईद की नमाज छुट जाए तो दो रकत नमाज पढ़ ले तो नाजरिनकराम लॉकडाउन में ईद की नमाज भी घर के अंदर अदा करनी रकत नमाज पढ़ लेनी है और वक्त मैंने बता ही दिया आपको सुबह का वक्त है चाश के वक्त से यह वक्त शुरू हो जाता है नमाज पढ़ लीजिये और ज़ायद तकबीरें बोल दीजिए अब मजबूरी में ऐसा हो रहा तो क्या करेंगे सबर कीजिए और इन शाह पूरा पूरा सवाब मिलेगा अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तक की नमाज़ को कबूल फरमा ले रमज़ान को कबूल फरमा ले ख़ैरा कबूल फरमा आमीन और एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं तकब्बल व मिनक घर के अंदर रहिए सबर कीजिए इन शरा पूरा, पूरा, पूरा सवाब मिलेगा ये चंद बातें थी अल्लाह ताली हम लोगों की इबादत को कबूल फरमा ले आमीन वसलम वरहमत लाबरक